हेलो एंड वेलकम टू माय फूडी स्टॉप। आज हम बनाएंगे शाही पनीर, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा और बहुत आसान तरीके से। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो शाही पनीर बनाने के लिए सबसे पहले एक प्रेशर कुकर में डालेंगे 1 टेबलस्पून देसी घी, हल्का सा गर्म करेंगे इसको। अब इसमें डाल देंगे दालचीनी, हरी इलायची और हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। इसमें तेज़पत्ता भी डाल देंगे। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे जिनको मैंने रफली काट लिया है। प्याज को 2 मिनट फ्राई करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन की कलियां, ग्रेट करी हुई अदरक। अगर आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट हो तो 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर, टमाटरों को मैंने 2 टुकड़ों में काट लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 कप काजू। अब इसको हम मिक्स करेंगे और टमाटरों को मैं थोड़ा सा क्रश कर दूंगी ताकि इनका पानी रिलीज हो जल्दी और मसाला पॉट में चिपके ना। और टमाटर अभी काफ़ी सारा पानी छोड़ेंगे इसलिए आपको एक्स्ट्रा पानी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। और साथ में हम इसमें नमक भी डाल देंगे ताकि टमाटर जल्दी से पानी रिलीज़ करें। और इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। अब इसको मिलाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं टमाटर ने पानी रिलीज़ कर दिया है, तो अब ये मसाला चिपकेगा नहीं पॉट में। तो अब हम इसका ढक्कन लगाएंगे और इसको 2 विसल देंगे और फिर स्टोव ऑफ कर देंगे। बेसिकली सारी चीज़ों को हमें गलाना है। तो प्रेशर कुकर का प्रेशर रिलीज हो चुका है, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें गल चुकी हैं। तो अब जो हमने इसमें खड़े गर्म मसाले डाले थे उनको हम डिस्कार्ड कर देंगे, उनका काम अब हो चुका है। और इस मिक्सचर को हम एक प्लेट में निकाल देंगे ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। और जब मसाला ठंडा हो गया तो मैंने इसको ब्लेंडर जार में डाल के बिल्कुल बारीक पीस लिया है और अब मैं इसको छान लूंगी। तो मैंने इसको छान लिया है, तो अब हम इसको पकाएंगे। तो उसी पॉट को हल्का सा क्लीन करके हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर। इसको मेल्ट होने देंगे और इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और मीडियम हीट पे इसको हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि मिर्च का कच्चापन चला जाए। और अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने मिक्सचर छान के रखा था और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इसका ढक्कन ढक देंगे क्योंकि ये मिक्सचर बहुत ज़्यादा उछलता है। और मीडियम हीट पर बीच बीच में चलाते हुए हम इसको 15 से 20 मिनट तक पकने देंगे। और अगर बीच में कभी आपको लगे कि ये पॉट में चिपक रहा है तो आप इसमें थोड़ा बहुत पानी भी मिला सकते हैं। तो जब तक मसाला पकता है तब तक हम थोड़ी सी कसूरी मेथी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो कसूरी मेथी मैंने ड्राई रोस्ट कर ली, अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और मसाले को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं, बीच बीच में मैंने इसको चलाया है और मसाला आप देख सकते हैं काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप पानी। इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और अब आप इसका नमक चख लें। मुझे नमक थोड़ा कम लगा तो मैंने इसमें 1/4 टीस्पून नमक डाला है। और साथ में हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून चीनी क्योंकि शाही पनीर हल्का सा मीठा होता है। और हम इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून क्रीम। आप चाहें तो घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, या फिर गाढ़ा दूध भी इसमें यूज़ किया जा सकता है मलाई की जगह। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप। ये शाही पनीर को बहुत बढ़िया टेस्ट देगा तो इसको आपको ज़रूर डालना है। अब इसको मिलाएंगे और इसको हम 2 मिनट तक और पका लेंगे। तो मसाला हमारा तैयार है। अब हम इसमें डाल देंगे पनीर जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब इसको अच्छे से मिलाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून मक्खन। अब इसको मिक्स करेंगे। अब जो हमने कसूरी मेथी ड्राई रोस्ट करके रखी थी उसको हम हथेलियों के बीच में क्रश करके इसमें डाल देंगे। कसूरी मेथी बहुत ज़रूरी है, इसको स्किप नहीं करना है, ज़रूर डालना है आपको। अब इसको मिलाएंगे और स्टोव ऑफ कर देंगे। शाही पनीर हमारा तैयार है। अब हम इसको सर्व करेंगे। आप इसको रोटी, पराठा, चावल किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि शाही पनीर एक स्पेशल डिश है तो इसके लिए मैंने रोटी भी स्पेशल बनाई है। तो मैंने इसको सर्व किया है होल व्हीट गार्लिक नान के साथ। शाही पनीर को थोड़ी सी क्रीम के साथ गार्निश करें और इन्जॉय करें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी इसका फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो उसको एक थम्स अप दीजिएगा। तो एक बार फिर मिलूंगी आपसे एक और बेहतरीन रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।